जिससे क्या है कि आपका इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप रियली इन्वेस्टर हैं, आपको अपना वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको विदाउट स्किप ये सारी चीजें समझनी होगी, तभी जाके आप इस फंड को समझ पाएंगे, तभी आप इंडेक्स फंड से अल्फा फंड की तरफ या अल्फा जनरेटर फंड की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं। एजे इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है, मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार। आज हम एक नए NFO की डिस्कस करेंगे, न्यू फंड्स ऑफर, जिसको बंधन ने लॉन्च किया है और उसका नाम है बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड्स। अल्फा 50 इंडेक्स फंड्स क्या है और इसमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट या नहीं करना चाहिए? जो लोग निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा फेमस हुआ है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना यानी एक तरह से रिटर्न्स आप चाहते हैं कि चाहे मार्केट जैसे भी हो, एक ऑन एन एवरेज रिटर्न्स आपका जो मिलता है 15% का, वो आपको मिले। दो फंड्स होते हैं, एक होता है एक्टिव फंड्स और एक होता है पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स जो मार्केट को, जो हमारा इंडेक्स है उसके साथ चल रहा है, तो जैसे इंडेक्स चल रहा है, अगर वो आपका ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दे रहा है तो आपको 15% का रिटर्न मिले, अगर आपको 5% का रिटर्न दे रहा है तो आपको 5% का मिले। एक्टिव फंड्स क्या होता है? एक्टिव फंड्स वो होता है जिसमें कि फंड मैनेजर कोशिश करता है कि जो मेरा इंडेक्स है इसको मैं बीट करूं, यानी अगर इंडेक्स आपको 15% का रिटर्न दे रहा है तो मैं लॉन्ग टर्म में 20% का रिटर्न दूं या 25% का रिटर्न दूं या 30% का रिटर्न दूं, तो उसको बोलते हैं एक्टिव फंड्स। तो एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर अपना स्किल अपनाते हैं। पैसिव फंड्स सिंपल इंडेक्स फंड्स होता है और उस इंडेक्स फंड्स में जैसे इंडेक्स आपका रिटर्न दे रहा है वही मिलता है। तो नॉर्मली आजकल जो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, या तो उनको, आधे लोगों को पता नहीं है कि उसका रिटर्न क्या मिलने वाला है, और या फिर वो अपने गोल को लेकर परफेक्ट डिसीजंस पे नहीं है। तो चलिए, हम आज हम देख रहे हैं कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे पहले एक और इंडेक्स फंड्स मैंने आपको बताया था जिसका था मार्केट इंडेक्स फंड्स, ठीक है ना, मार्केट इंडेक्स फंड्स जो 700 शेयर्स को आपको डील कर रहा था। उसी तरह से अब आपके पास एक नया ऑप्शन आया है, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड्स, ठीक है ना। अल्फा 50 यानी जो आपका इंडेक्स फंड है, अल्फा के नाम से क्या होता है, अल्फा क्या है, अल्फा का मतलब क्या हो गया कि जो भी फंड्स रिटर्न्स दे रहा है, यानी जैसे इंडेक्स आपका रिटर्न दे रहा है मान लीजिए कि 15%, तो 15% से जो एक्स्ट्रा जनरेट करें उसको अल्फा कहते हैं। कितना अल्फा जनरेट हुआ, कितना एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, तो ये हमारा स्टार्टिंग कब से हो रहा है, 25 अक्टूबर से हो रहा है, यानी कल से हो रहा है, 25 अक्टूबर से लेके और 6 नवंबर तक ये आपका वैलिड रहेगा। यहां पर आप परचेज करते हैं तो आपको NAV 10 रुपए के हिसाब से मिलता है, यानी जब आप NFO के पीरियड में परचेज करते हैं तो आपको NAV जो होता है 10 रुपए के हिसाब से मिलता है, और उसके बाद जब ओपन हो जाता है तो मार्केट के अकॉर्डिंग जो अप्स एंड डाउन होते हैं उस पर NAV आपको मिलता है। तो ये हमारा NFO पीरियड है 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, जो हमने डिस्कस किया कि फंड मैनेजर उसको कोशिश करते हैं कि हम अच्छे तरीके से मैनेज करें, उनके अपने स्किल को अप्लाई करते हैं, अपने स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं, जिससे आपका रिटर्न्स एक अच्छा जनरेट करते हैं। अच्छा या खराब वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। ये फंड्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह से पैसिव इन्वेस्टमेंट, यानी आप सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, मिड कैप में इन्वेस्ट कर दिया, कोई भी आपने पैसिव वो कर दिया, तो उसमें क्या है, जो इंडेक्स आपको रिटर्न जनरेट कर रहा है वो आपको मिलेगा। इसमें आपका सिंपल रूल्स होता है, कोई यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, तो यहाँ पर आपके एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कम हो गया तो हमारा रिटर्न ज्यादा बढ़ गया, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई फंड 2% का रिटर्न दे रहा है एक्स्ट्रा अपना एक्सपेंस रेशियो छाटने के बाद, और कोई फंड्स जो इंडेक्स फंड्स है वो 0.5 उसका एक्सपेंस रेशियो है और 2% का कम रिटर्न दे रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म में अगर 10 साल या 15 साल का जो वेल्थ क्रिएशन के लिए आप प्लान करते हैं, तो आप सोचिए कि आपके फंड्स में कितना अंतर पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन मैं अभी आपको यहीं पर दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, मैंने एक सिप कैलकुलेटर स्टार्ट किया और सिप कैलकुलेटर पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा अगर रिटर्न 15% के हिसाब से मिल रहा है, 10,000 का हमने SIP किया है और 20 साल का टारगेट रखा वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारी जो एक अमाउंट इन्वेस्टेड है 24 लाख के करीब हुआ,
और हमारा रिटर्न्स हो रहा है 1.5 करोड़, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट आपका हो जाएगा 1.5 करोड़। ध्यान रखना, अगर हमने 15% के हिसाब से आपको, अगर सिंपल इंडेक्स फंड ने आपने सोचा कि चलो 15% का रिटर्न्स मिलेगा, हमने इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया और कंप्लीट कर दिया, लेकिन वही फंड मैनेजर आपका एक्सपेंस रेशियो 0.5 है या 0.1.5 है और उस फंड को मैनेज करके उस फंड्स का रिटर्न 2% और बढ़ा देता है, यानी 15% की जगह 17% का रिटर्न दे देता है, तो आपका क्या अंतर पड़ने वाला है 20 साल में? जो 1.5 करोड़ आपको मिल रहा था, आप उसका रिटर्न आप देखेंगे तो कितना हुआ, आपका 2.22 करोड़ हो गया। तो कितना अंतर पड़ा? आपके बजट पे कोई अंतर नहीं पड़ा, एक्सपेंस रेशियो इसलिए पड़ा कि कंपनी का फंड मैनेजर उसके अपने एक्सपर्टीज अपना रहा है, लेकिन वो आप यहां पर सीधे के सीधे इतना 70 लाख के करीब आपका एक्स्ट्रा आपको इनकम बन रहा है। तो आप इन चीजों पे मत जाए कि हमारा एक्सपेंस रेशियो कहां पे बढ़ रहा है, एक्सपेंस रेशियो कहां जा रहा है, वो सब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये जो आजकल यूट्यूबर्स हैं जिनको आपको मिसगाइड करना है, वो चीजें लोग करते रहते हैं, तो इसलिए आपको दिमाग ये लगाना है कि कौन सा फंड आपको इन फ्यूचर में, जब आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं, तो कौन सा फंड है जिसमें अगर हमें 10 साल का प्लानिंग कर रहे हैं, 15 साल का प्लानिंग कर रहे हैं, 20 साल का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें 2% या 3% या 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है, एक्स्ट्रा रिटर्न यानी एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करेगा वो आपका बेनिफिट है। तो इसलिए उसी थॉट प्रोसेस को रखकर, क्योंकि आजकल सभी लोग इंडेक्स फंड्स को सोचते हैं, तो यहां पर फंड ने अपना अल्फा फंड्स लेकर आया है। ये फैक्टर स्ट्रेटजी इसने किया है। इसने क्या किया है, एक्टिव और पैसिव दोनों के बीच में हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो कि हमें एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे दे, एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके दे दे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी एक रूल बेस्ड होगा, अप्रोच बेस्ड होगा, लेकिन मार्केट को जो इंडेक्स फंड है उसको ज्यादा, उससे ज्यादा इनकम जनरेट करे, और कॉस्ट वाइज अगर देखें, एक्सपेंस रेशियो वाइज देखेंगे, तो ये भी एक्सपेंस रेशियो और ये भी एक्सपेंस रेशियो दोनों बराबर होंगे, यानी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो और अल्फा का इंडेक्स एक्सपेंस रेशियो दोनों बराबर, लेकिन रिटर्न्स आपको अल्फा 5% ज्यादा दे दे। ये थॉट प्रोसेस रखकर बंधन ने आपको निफ्टी 50 का अल्फा फंड्स का NFO लेकर आया है। आगे हम देख लेते हैं, तो इसमें क्या है कि एक तो कोशिश किया है कि वैसे फंड्स को चूज करें, नॉर्मली जब किसी निफ्टी 50 में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 50 शेयर्स लिए जाते हैं, तो जब अल्फा है यहाँ पर 100 शेयर्स को इसने टारगेट किया है, जिसके वह स्टॉक लेगा जो स्ट्रांग परफॉर्मेंस तो है ही, जिसके रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन उसकी जो वोलेटिलिटी कम है, उस स्टॉक में वोलेटिलिटी कम है, ठीक है, और उसके जो रिटर्न्स है, जो इस जिस समय भी परचेज कर रहा है उस समय उसकी वैल्यूएशंस अच्छे हैं, ठीक है ना। तो उस नॉर्मली क्या है कि इंडेक्स को आपने कुछ भी नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पर फंड मैनेजर अपनी थोड़ी सी एक्सपर्टीज लगा के अल्फा को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा ऐसा शेयर्स है जो मार्केट कैपिटल के वाइज अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी उसको सस्ते में मिल रहा है, वैल्यूएशंस मिल रहा है, तो उसमें जाकर वो इन्वेस्ट करता है, क्वालिटी स्टॉक्स लेता है, वैल्यू स्टॉक्स लेता है, और उसके साइज वाइज सब कुछ ठीक रहता है, तो उसको उस समय उठाता है और एवरी 3 मंथ्स में, हर 3 महीने पर उस वैल्यूएशंस को ट्रैक करके और उसमें कहां से स्विच करना है, किस पे जाना है, वो काम करता है। तो इसलिए यहां पर आपको अल्फा जनरेट करने के लिए एक कोशिश कर रहा। तो यहां पर उसने क्या किया है, कंडीशंस क्या रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है कि उसका 1 साल का वो मिनिमम लिस्टिंग हिस्ट्री देखेगा, 1 साल में जो कम से कम वो शेयर्स को 1 साल हो गया हो, उससे पहले उसके मतलब जिस स्टॉक की लिस्टिंग 1 साल के बाद, अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, उसको टच नहीं करेगा, यानी वैसे स्टॉक जो 1 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और मार्केट कैपिटल के वाइज 300 स्टॉक हैं, ठीक है, मैंने 100 बोला था वो 300 है, यहाँ पर 300 स्टॉक को शेयर करेगा, जो टॉप 300 कंपनी है उनके स्टॉक को कंप्लीट करेगा। हमने पहले देखा था मार्केट इंडेक्स फंड्स में 700 स्टॉक को कर रहा था, लेकिन यहां पर इसको कर रहा है 300 स्टॉक को कवर कर रहा है, और सिलेक्शंस में क्या है, टॉप 50 कंपनी विद हाईएस्ट अल्फा, ऐसी कंपनी
50 स्टॉक जो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हो, अल्फा जनरेट ज्यादा कर रहे हो, यानी रिटर्न्स ज्यादा जनरेट कर रहे हो, उसको सिलेक्ट करेगा और प्रोपोर्शनल टू अल्फा स्कोर उसके जब जो स्कोर निकालेंगे, जैसे मान लीजिए टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री, जिस टाइप से स्कोर निकालेगा उसको सेलेक्ट करेगा और उस फिर उसमें इन्वेस्ट करेगा। ये एक्सरसाइज हर 3 महीने पे चलता रहेगा, हर 3 महीने पे, जैसे मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में, ये हरदम इसको एक्सरसाइज करेगा और जो टॉप वन पे रहेगा उसमें उस फंड्स को स्विच करते रहेगा, जिससे क्या है कि आपका इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप रियली इन्वेस्टर हैं, आपको अपना वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको विदाउट स्किप ये सारी चीजें समझनी होगी, तभी जाके आप इस फंड को समझ पाएंगे, तभी आप इंडेक्स फंड से अल्फा फंड की तरफ या अल्फा जनरेटर फंड की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं और उसको देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहां पर आप देखेंगे व्हाई अल्फा फैक्टर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई शेयर परचेज किया, कोई भी शेयर, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिया था कि अगर किसी ने कोटक महिंद्रा बैंक को परचेज किया है 2021 से लेकर अभी तक 2023 तक, तो उसका रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, एक ही जगह पर, मतलब 500 रुपए के रेंज में ऊपर नीचे चल रहा है 21 से लेकर आज 23 तक, वहीं पर कहीं भी नहीं है, लेकिन शेयर, लेकिन कंपनी 19% ईयरली रिटर्न्स दे रही है, कंपनी में ग्रोथ हो रहा है लेकिन उसके शेयर्स में ग्रोथ हो नहीं रहा है, तो इसको यहां पर वो कंपनी अल्फा जनरेट तो कंपनी के लिए कर रही है लेकिन आपके शेयर होल्डर के लिए नहीं कर रहा, तो उन सब चीजों को देखकर, उस फैक्टर को देखकर यहां पर वो सारी चीजें कैलकुलेट करी जाती है और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक फंड मैनेजर ये चॉइस करता है कि हमें यहां पर जाएंगे तो हमारा रिटर्न्स अच्छा होगा और यहां से हम निकलेंगे तो रिटर्न्स हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब आगे देख लीजिए कि हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ आउट परफॉर्मेंस या बोर्डर इंडाइसिस में क्या क्या है। अगर आप देखें निफ्टी 50 का, अगर आप रिटर्न्स देखें 3 साल का, निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी 100 का देखें, यहां पर 500 का देखें और निफ्टी अल्फा 50 का देखें, तो यहां पर आपका इंडेक्स देखिए, इंडेक्स और अल्फा में कितना अंतर हो गया है, हो गया ना, उसी तरह से यहां पर भी देखें तो इंडेक्स और अल्फा में आपको अंतर हो गया, यानी अल्फा आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल अगर आपने होराइजन्स के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा जो रिटर्न्स जनरेट कर रहा है तो वो आपके फंड्स के लिए ज्यादा होगा। तो पहली चीज तो ये हो गया कि आपको कॉस्ट भी नहीं लग रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है वो भी नहीं हुआ, वो भी उतना ही रह गया जो आपका इंडेक्स फंड है, लेकिन आपको अल्फा ज्यादा जनरेट हो गया तो उसके लिए आपको ये फंड्स अल्फा फंड्स पे जाना चाहिए, सोचना चाहिए। अब देख लेते हैं आगे, अल्फा फैक्टर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन रोटेशंस, कैसे मार्केट में रोटेशंस करते हैं। जैसे आप देखिए 2021 के जनवरी में, मार्च, 21 जून, ये सब 3-3 महीने पे आपको रोटेशंस कैसे हो रहा है वो आप यहां पर समझना। लार्ज कैप में 27% का इन्वेस्टमेंट था 2021 में, मिड कैप में 46%, स्मॉल कैप में 26%, है ना, टोटल 100% हो गया। लेकिन मार्च में क्या किया कंपनी ने, यहां पर लार्ज कैप में और बढ़ा दिया, यहां पर मिड कैप से हटा दिया, यहां पर स्मॉल कैप से हटा दिया, यानी इनको लग रहा होगा कि यहां पर मार्केट में हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये गिरेगा, तो यहां से उन्होंने काउंट किया और उसको लार्ज कैप में बढ़ा दिया। यहां पर आप देखें लार्ज कैप को हटा दिया, कम कर दिया, मिड कैप में भी कम किया और स्मॉल कैप में बहुत बढ़ा दिया, यानी स्मॉल कैप जो है यहां पर बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू हो गया था तो यहां पर उसने बढ़ा दिया, उसको लग रहा है कि यहां से मेरा रिटर्न्स बढ़ेगा। अगले सितंबर में उसने क्या किया, यहां पर फिर से उसने लार्ज कैप में बढ़ा लिया, मिड कैप में थोड़ा सा बढ़ा लिया, स्मॉल कैप को हटा दिया, क्यों, यहां पर उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस टाइप से देखेंगे तो हर क्वार्टर में फंड मैनेजर, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करना है, उसके लिए अपना ये काम करते रहता है और आपको रिटर्न्स मिलता है। तो हमारे पास एक्सपेंस रेशियो में कोई टेंशन नहीं है और रिटर्न्स में एक एक्स्ट्रा ग्रोथ मिल रहा है, तो इसलिए अल्फा फंड्स हमारे लिए बेटर हो सकता है आगे, अगर इसको थॉट प्रोसेस को रख के आप चलते हैं तो। तो उसी तरह से अगर फाइनेंशियल सेक्टर देखें कहां कहां पर इनके इन्वेस्टमेंट होते हैं तो आप देख लीजिए, उसी तरह से इन्होंने किया हुआ है कि फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा, अब ये भी फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी आपको हर क्वार्टर में अपने फंड्स में चेंजेस करते रहते हैं कि कहां पर, क्योंकि नॉर्मली तभी तो आपका रिटर्न्स बढ़ेगा, अदरवाइज इंडेक्स फंड्स के अकॉर्डिंग चलता रहेगा तो आपका कोई फायदा होगा नहीं।
तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर भी अपना टाइम टू टाइम किस फंड से कहां पर निकलना है, किस कौन से सेक्टर में आपको ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो ये एक स्ट्रेटजी बनाया हुआ है और उसको लेकर ये अल्फा जनरेट करने की पूरी तरीके से कोशिश है और इससे आपको आगे रिटर्न्स इंडेक्स फंड से ज्यादा मिलेगा जो ऑलरेडी है। तो जिनके पास होराइजन है कम से कम 7 ईयर से ज्यादा, वो इस फंड्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके करना चाहते हैं और रिस्क जो आप नहीं लेना चाहते ज्यादा, आप इंडेक्स की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आपको ये अल्फा जनरेशन जो प्लान है या ये जो फंड है, इस फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके बेसिस पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। आगे देख लेते हैं, ओपन एंडेड फंड है, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड है। इसका जो पीरियड है आपने अभी पहले ही बताया था, 25 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 6 नवंबर तक आपका एनएफओ टाइम है। एनएफओ टाइम में आपको एनएबी 10 रुपये मिलता है, उसके बाद जब ओपन एंडेड है तो कभी भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो इंडेक्स ट्रैक होगा TRI निफ्टी अल्फा पे होगा। इसके फंड मैनेजर है निमेश सेठ, बहुत फंड कंपनियों में काम कर चुके हैं, जैसे निपॉन में यानी रिलायंस में, ICICI में कर चुके हैं। इसका न्यू फंड्स आप कितने का ले सकते हैं, 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, मतलब आज आपने जो 1000 रुपये का फंड लिया, कल आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं, कोई एग्जिट लोड नहीं है, कोई चार्जेस इस पे आपको नहीं लगता है, तो इसलिए आप एग्जिट लोड की टेंशन ना करें और आसानी से आप फंड्स को ले सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शंस दिया हुआ है, रेगुलर और डायरेक्ट। तो रेगुलर आप किसी एडवाइजर के थ्रू लीजिए जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट लेना है तो आप खुद अपने चॉइस से लीजिए, उसमें आपको कोई हेल्प करने नहीं आता, तो इसलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि कभी भी फंड्स अपने एडवाइजर के थ्रू लीजिए ताकि वो किस समय आपको फंड्स में इन्वेस्ट करना है, किस समय फंड से निकलना है, वो सारी चीजों की आपको जानकारी देते रहेंगे और आपके फंड्स में हेल्प करेंगे, आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, निवेश सेठ फंड मैनेजर बंधन AMC यानी पहले जो था IDFC AMC, ये नवंबर 2021 से काम कर रहे हैं और इनकी अपनी एक्सपर्टीज इक्विटीज डेरिवेटिव और पैसिव फंड्स में है। पहले ये निपॉन यानी रिलायंस में काम कर चुके हैं, ICICI में काम कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देख लिया एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स और आगे हमने देख लिया कि हमारे पास जो ये नया NFO आया हुआ है, बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, ये मेरे ख्याल से पहला ऐसा फंड्स है जो कि अल्फा 50 इंडेक्स फंड्स को ट्रैक करके आपको देने के लिए कोशिश कर रहा है। तो आप यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसा लगा। कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में या ऐसे कोई इंडेक्स फंड्स में, उन्हें उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने वाला फंड्स चाहिए, तो बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।